अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब आप लोगों के लिए मैं विकास धाकड़ मध्य प्रदेश से सामान्य ज्ञान लेकर आ रहा हूँ। आज ये पहला वीडियो है और इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोज मैं लेकर आऊँगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए। आज हम मध्य प्रदेश में समाचार पत्र और विभिन्न पत्रिकाओं को याद करने की बेस्ट ट्रिक आपको बताएंगे, जहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनने की बहुत संभावना रहती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में देखिए समाचार पत्र अगर हम पढ़ रहे हैं टॉपिक समाचार पत्र, तो हमें पता होना चाहिए भाई कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप नोट कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, पत्रकारिता दिवस आप नोट कीजिएगा, पत्रकारिता दिवस। ओके, और पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है भाई? 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जा रहा है, तो भाई पत्रकारिता भवन कहाँ पर है, ये भी प्रश्न बनता है। तो हमें से याद रखें, पत्रकारिता भवन ये कहाँ पर है? ये है भाई भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में और जबलपुर में। ओके, पत्रकारिता भवन कहाँ पर है? भोपाल में और जबलपुर में पत्रकारिता भवन है। अब बात आ जाती है कि पत्रकारिता संग्रहालय कहाँ पर है। इन सारी चीज़ों पर मैं बाद में आऊँगा, पत्रकारिता संग्रहालय के बारे में भी प्रश्न बन जाता है। तो नोट कर लीजिएगा कि पत्रकारिता संग्रहालय कहाँ पर है भाई? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है पत्रकारिता संग्रहालय। और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1984 में। कब? 1984 में पत्रकारिता संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अब मैं आता हूँ इन सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों पर। तो सबसे पहला प्रश्न तैयार हो जाता है कि पहला समाचार पत्र मध्य प्रदेश से कौन सा प्रकाशित हुआ। तो हमें से याद रखना, मध्य प्रदेश से पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ उसका नाम है अखबार ग्वालियर। क्या है नाम? अखबार ग्वालियर उसका नाम है। और यह वर्ष 1840 में प्रकाशित किया गया था। ओके, और इसके संपादक थे मुंशी लक्ष्मण दास। क्या? मुंशी लक्ष्मण दास इसके संपादक थे। और अखबार ग्वालियर का नाम बदलकर वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश संदेश कर दिया गया था। कभी भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश संदेश अखबार कहाँ से प्रकाशित होता है, तो आपको जवाब देना है भाई मध्य प्रदेश संदेश अखबार प्रकाशित होता है ग्वालियर से, क्योंकि अखबार ग्वालियर का नाम बदल कर ही ये किया गया है। अगला प्रश्न तैयार हो जाता है कि मालवा अखबार कहाँ से प्रकाशित होता है। ओके, कहाँ से प्रकाशित होता? तो भाई मालवा अखबार प्रकाशित होता कहाँ से? इंदौर से। ओके, और मालवा अखबार के संपादक हैं पंडित प्रेम नारायण। एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताना भूल गया कि अखबार ग्वालियर जो था वो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था और ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। कौन सी? उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र अखबार ग्वालियर कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू में। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली अखबार 1852 में, ओके 1852 में कहाँ से? इंदौर से प्रकाशित होता है। ऐसा नहीं कि दिल्ली अखबार है तो आप कहाँ से? दिल्ली से इसे प्रकाशित कर दें। नहीं, इंदौर से। ग्वालियर गजट 1853 में ये प्रकाशित हुआ। ओके, ये प्रश्न पूछा भी गया है व्यापम में, पुलिस परीक्षा में ही पूछा गया है पुराने पेपरों में। इसके बाद आता है नवजीवन। नवजीवन समाचार पत्र जो है वह वर्ष 1939 में प्रकाशित हुआ इंदौर से। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों प्रश्न बहुत ही खास होने वाले हैं। नवजीवन 1939 में कहाँ से? इंदौर से। और नवजीवन के बारे में महत्वपूर्ण है कि यह हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है, इसी के साथ साथ हिंदी भाषा का। ओके, और प्रदीप समाचार पत्र जो कि 1950 में प्रकाशित हुआ जबलपुर से, यह पहला सांध्य दैनिक समाचार पत्र है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1957 में एमपी क्रॉनिकल समाचार पत्र प्रकाशित हुआ और यह एमपी क्रॉनिकल समाचार पत्र भोपाल से प्रकाशित होगा। ओके, एमपी क्रॉनिकल एक्चुअली क्या है भाई? इंग्लिश में प्रकाशित हुआ। और इंग्लिश अखबार कहाँ पर पढ़ेंगे? राजधानी में पढ़ेंगे, भोपाल में पढ़ेंगे। तो एमपी क्रॉनिकल कहाँ से प्रकाशित होगा? भोपाल से प्रकाशित होगा। आगे अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, केवल आप इनका प्रकाशन स्थान याद रखिएगा, जैसे कि पूर्ण चंद्रोदय जो कि इंदौर से प्रकाशित होता है, और जबलपुर समाचार जो कि प्रथम समाचार पत्र है जो कि जबलपुर से ही प्रकाशित होता है। जिस तरह से अखबार ग्वालियर
और ग्वालियर गजट, ये दोनों के दोनों ग्वालियर से प्रकाशित होते हैं। उसी तरह जबलपुर समाचार कहाँ से प्रकाशित होगा? जबलपुर से प्रकाशित होगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। कभी भी आपसे अगर प्रश्न पूछ ले, कभी भी प्रश्न पूछ ले कि किससे संबंधित, भाई विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से संबंधित। मैं पत्रिकाओं पर बाद में आऊँगा, ओके, पत्रिका टॉपिक मैं बाद में लूँगा, लेकिन उससे पहले आकाशवाणी से प्रश्न बनता है तो सबसे पहले हम आकाशवाणी क्लियर किए लेते हैं, ओके। देखिए हर टॉपिक आपको इसी तरह से छोटे छोटे भागों में तोड़कर कंप्लीट कराया जाएगा, पूरे एमपीजी की इसी तरह से कवर कराया जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कुल आकाशवाणी केंद्र कितने हैं। कुल आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? तो हमेशा याद रखना, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ओके, कहाँ, एमपी में। एमपी में कुल आकाशवाणी केंद्र हैं अभी वर्तमान में कितने, 20। कभी भी अगर प्रश्न बन जाए कि मध्य प्रदेश में कुल आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, 20 हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा आकाशवाणी केंद्र जो है शुरू किया गया, तो इंदौर। कौन सा? इंदौर आकाशवाणी केंद्र सबसे पहले शुरू किया गया और यह वर्ष 1955 में शुरू किया गया था। कब? 1955 में। और इंदौर के बाद बारी आती है भाई भोपाल की। किसकी? भोपाल की। और भोपाल आकाशवाणी केंद्र शुरू किया गया वर्ष 1956 में, तुरंत एक वर्ष के बाद 1956 में भोपाल आकाशवाणी केंद्र शुरू कर दिया गया। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक प्रसारण क्षमता कौन से आकाशवाणी केंद्र की है, ओके, तो वह है इंदौर आकाशवाणी केंद्र की सर्वाधिक प्रसारण क्षमता, ओके, सर्वाधिक प्रसारण क्षमता किसकी है, तो इंदौर आकाशवाणी केंद्र की। और भोपाल आकाशवाणी केंद्र 1956। इसके बाद आती है बात किसकी, भाई ग्वालियर आकाशवाणी केंद्र और जबलपुर आकाशवाणी केंद्र। ये दोनों के दोनों आकाशवाणी केंद्र हैं ना भाई, ये वर्ष 1964 में क्या है, शुरू किए गए थे। अब एक प्रश्न बन जाता है कि वर्ष 1964 में ग्वालियर और जबलपुर आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए गए। अब आप बताइएगा कि वर्ष 1964 में एक कौन सी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में वर्ष 1964 में, और मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है और कब स्थापित की गई, ये प्रश्न भी आप, इस प्रश्न का जवाब भी आप आंसर में कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले तथ्यों की ओर। तो हमें से याद रखिएगा कुछ, मैं पत्रिकाओं के बारे में बात किए लेते हैं, ओके, प्रमुख पत्रिकाएँ कौन कौन सी हैं। अब तक हमने क्या देखा, प्रमुख समाचार पत्र हमने कवर किए और प्रमुख आकाशवाणी केंद्र हमने कवर किए। अब बात करते हैं प्रमुख पत्रिकाओं की। तो हमेशा याद रखिएगा भोपाल से प्रकाशित होने वाली सबसे पहले हम पत्रिकाएं ले रहे हैं। अब देखिएगा भोपाल क्या है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो कि कब, जिला कब बना भोपाल, भोपाल 1972 में जिला बना था। जिले का दर्जा कब मिला, 1972 में। इससे पहले भोपाल क्या हुआ करता था, सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था, भले ही तहसील था लेकिन राजधानी ये तब भी था मध्य प्रदेश की, ओके। 1972 में जिला बना, जिला है तो यहाँ पे क्या है, सुरक्षा ज़्यादा रहेगी, सारी चीज़ें बड़ी बड़ी अच्छी रहेंगी, ओके, तो यहाँ पे पूरा जीवन कैसा रहेगा भैया, बहुत अच्छा ज़िंदगी रहेगा, क्योंकि राजधानी है, राजधानी में लोगों की ज़िंदगी कैसी रहती है, बहुत अच्छी रहती है, तो हम कहेंगे आहा जिंदगी। क्या? आहा जिंदगी। आहा जिंदगी पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो भाई भोपाल से, ओके। आगे देखिए राजधानी है, अगर राजधानी है तो भाई अच्छी अच्छी वार्ताएँ, शिखर वार्ता कहाँ पर होगी, शिखर वार्ता, ओके, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोगों की वार्ताएँ कहाँ पर होंगी, अधिकारियों की वार्ता कहाँ पर, भोपाल में, राजधानी में। इसीलिए शिखर वार्ता पत्रिका कहाँ से निकलती है, भोपाल से। इसके बाद बात आती है कला वार्ता, कला वार्ता, दोनों की दोनों वार्ता, दोनों की दोनों बातें कहाँ पर होंगी, वार्ता माने बातें, बातें हम कहाँ पर करेंगे, भोपाल में बैठकर करेंगे। आगे बात आती है साक्षात्कार, साक्षात्कार माने इंटरव्यू, इंटरव्यू कहाँ पर होंगे भाई, भोपाल में होंगे, ऐसे याद आसानी से आप रख सकते हैं। फिर बात आती है नया पथ, नया पथ माने नया रास्ता, नए नए पथ कहाँ पर बनेंगे, नए नए पथ भाई सबसे पहले राजधानी में बनेंगे, किसी भी ज़िले में नहीं बन पाएंगे, ओके। फिर बात आती है किसकी बात, पंचायिका, 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 पंचायिका को आप किससे जोड़ेंगे,
पंचायत से, तो पंचायत कहाँ बैठेगी? पंचायत भोपाल में बैठेगी, राजधानी में बैठेगी। तो पंचायत का पत्रिका भी कहाँ से निकलेगी? भोपाल से ही निकलेगी। अब बात आती है अन्य कुछ पत्रिकाओं की, जैसे कि नया विकल्प। नया विकल्प, नया विकल्प पत्रिका कहाँ से निकलेगी? ये देवास, कहाँ से भाई? देवास सॉरी विदिशा और भोपाल से। कहाँ से? विदिशा और भोपाल से नया विकल्प पत्रिका निकलेगी। विदिशा और भोपाल से नया विकल्प पत्रिका निकलेगी। इसके अलावा बीड़ा कहाँ से निकलेगी? बीड़ा इंदौर में बजेगी। ओके, बीड़ा कहाँ पर बजेगी? इंदौर में बजेगी। तो बीड़ा पत्रिका कहाँ से निकलती है? इंदौर से निकलती है। ओके, यात्रा हम कहाँ पर करेंगे? यात्रा हम कटनी में करेंगे। तो यात्रा पत्रिका कहाँ से निकलेगी? कटनी से निकलेगी। प्रसंग कहाँ पर करेंगे भाई? प्रसंग हम ब्यावरा में करेंगे। कहाँ पर? ब्यावरा में। प्रसंग कहाँ करेंगे? ब्यावरा में। प्रसंग व्यक्ति बावरा होने के बाद करता है, तो प्रसंग क्या? ब्यावरा। कब करेगा प्रसंग? बावरा होने पर। आगे पहल पत्रिका, कौन सी? पहल पत्रिका, पहल जबलपुर से निकलेगी। ओके, देखिए पहल पत्रिका जबलपुर से निकल रही है, तो पहल जबलपुर से, पहल जबलपुर में करेंगे और बीड़ा इंदौर में बजाएंगे और यात्रा कटनी में करेंगे। क्या? पहल हम जबलपुर में करेंगे। अच्छी अच्छी पहल कहाँ पर हुई? जबलपुर में हुई। जबलपुर में ही क्या है? हमारा उच्च न्यायालय बना। ओके, तो जबलपुर में अच्छी पहल हुई सबसे पहले न्याय देने के लिए। ओके, फिर बीड़ा हमने कहाँ बजाई? इंदौर में बजाई। यात्रा कहाँ पर की? कटनी में की। प्रसंग कैसे किया? प्रसंग करते करते ब्यावरा हो गया, तो ब्यावरा। प्रसंग कहाँ से? ब्यावरा से निकलेगी। आगे बढ़ते हैं वसुधा। वसुधा, वसुधा पत्रिका कहाँ से भाई? वसुधा पत्रिका निकलती है जबलपुर, रीवा। ओके, जबलपुर, रीवा और भोपाल। वसुधा कहाँ से? जबलपुर, रीवा और भोपाल से निकलती है। ये सभी पत्रिका काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो परीक्षा के लिए जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में, पूरी की पूरी हमने आपको कवर करा दी है। इससे बाहर आपको मध्य प्रदेश पुलिस के लिए या फिर ग्रुप 5 के लिए, ओके, या फिर सब इंजीनियर ग्रुप 3 के लिए, इन सभी विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपको अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पिछले वर्षों का पेपर उठा के देख लीजिएगा। इन प्रश्नों से बाहर, इस टॉपिक से, समाचार पत्र से और पत्रिका से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसी तरह से एक फिर से नया टॉपिक लेंगे जिसे हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ, इसी तरह टॉपिक वाइज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ने के लिए।